हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस रिव्यू योर इंटरव्यू क्वेश्चन आस्क इन 20 जून 2021 इन अ मॉर्निंग बैच। सो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे रिव्यू योर के इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि सुबह के बैच में पूछे गए थे। सो फ्रेंड्स उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था टेल मी अबाउट यूर सेल्फ्स। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी और बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट यूर सेल्फ्स। देन फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज DBMS। सो फ्रेंड्स हम सबको पता है DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हियर फ्रेंड्स वी कैन कलेक्ट द डेटा एंड वी कैन मैनेज द डेटा। मीन्स फ्रेंड्स हियर वी कैन क्रिएट अ डेटा, अपडेट अ डेटा, डिलीट अ डेटा। सो फ्रेंड्स हियर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी DBMS से पूछा था व्हाट इज अ प्राइमरी की एंड फॉरगेन की। सो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि प्राइमरी की क्या है और फॉरगेन की क्या पता है। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर ढूंढ लेना। एक्चुअली प्राइमरी की में क्या होता है, यूनिक आईडी होता है। सो फ्रेंड्स आप देख लेना। देन फ्रेंड्स उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन। सो फ्रेंड्स आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ। इनकैप्सुलेशन मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर कंबाइन इन अ वन क्लास। मीन्स फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम सिमिलर तरह की प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो है उसको एक क्लास में कंबाइन करते हैं, यानी कि एक क्लास में राइट करते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन उसको पूछा था इनहेरिटेंस का। फ्रेंड्स इनहेरिटेंस मीन्स वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस क्लास इन अ डिराइव क्लास। मीन्स फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को डिराइव क्लास में यूज करते हैं। एंड फ्रेंड्स हमें इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस के टाइप्स भी उनको पता नहीं होंगे। मीन्स फ्रेंड्स सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। देन फ्रेंड्स उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। सो फ्रेंड्स आपको इजी लैंग्वेज में बताना होगा पॉलीमॉर्फिज्म इट इज अ यूज फॉर वन फंक्शन इन अ मेनी फॉर्म्स। मीन्स इट इज अ वन फंक्शन एंड यूज इन अ मेनी फॉर्म्स, यूज एज अ सेम नेम। मीन्स फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सेम नेम से मेनी फंक्शंस को डिक्लेयर कर देते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन उसको पूछा था व्हाट इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो फ्रेंड्स आपको उसका भी आंसर देना होगा। देन फ्रेंड्स व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। देन एब्स्ट्रैक्शन मीन्स इट इज अ हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड रिप्रेजेंट ओनली दोज डिटेल्स हु इज रिक्वायर्ड फॉर अ यूजर्स। सो फ्रेंड्स आपको इन कुछ तरह के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। मीन्स फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सारे के सारे ऊप्स के कंसेप्ट पूछे हैं। एंड फ्रेंड्स उन्होंने ऊप्स के कंसेप्ट के अलावा SQL डेटाबेस यानी कि DBMS को पूछा गया है। देन फ्रेंड्स उसको पूछा गया था थ्रो एंड थ्रो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रो। देन फ्रेंड्स ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग एंड इंटरफेस। सो फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज ओवरराइडिंग। सो फ्रेंड्स एक्चुअली ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग मीन्स टू और मोर फंक्शन कैन हैव अ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल वॉइड सम इंटीजर ए एंड नेक्स्ट फंक्शन इज वॉइड सम इंटीजर ए बी। मीन्स फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम नेम तो वही रखते हैं फंक्शन का सम सम, बट हम पैरामीटर्स अलग अलग डिफाइन करते हैं। मीन्स फर्स्ट फंक्शन में हमने क्या किया, वॉइड सम इंटीजर ए बी। एंड नेक्स्ट फंक्शन में हमने क्या किया, वॉइड सम इंटीजर ए बी एंड सी। मीन्स फ्रेंड्स हम डिफरेंट पैरामीटर देते हैं ओवरलोडिंग में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। और सो फ्रेंड्स अब देखते हैं ओवरराइडिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स ऑपरेटर ओवरराइडिंग मीन्स हम ऐसा सब क्लास के अंदर वैसे ही सिग्नेचर का फंक्शन डिफाइन करते हैं जैसे कि सुपर क्लास में बनाए। मीन्स फ्रेंड्स आपको अगर ये पता नहीं तो मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूँ, टू और मोर फंक्शन कैन हैव अ सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स। मीन्स फ्रेंड्स मेथड ओवरलोडिंग इज अ डिफाइन अ मेथड इन अ सब क्लास विथ अ सेम सिग्नेचर विथ अ स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन इन रिस्पेक्ट टू सब क्लास। मीन्स फ्रेंड्स हम जो सब क्लास के अंदर सिग्नेचर डाल का फंक्शन बना डिफाइन करते हैं वैसा ही सुपर क्लास में बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स उसको इंटरफेस पूछा था। फ्रेंड्स अब इसके अलावा आप क्या स्टडी कर सकते हैं, व्हाट इज अ अरे, व्हाट इज अ सेट, डिफरेंस बिटवीन अरे एंड सेट। देन फ्रेंड्स व्हाट इज लिंक लिस्ट, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मैप क्या है, वेक्टर क्या है। फ्रेंड्स आप इन सारे डेटा स्ट्रक्चर या फिर बेसिक कंसेप्ट का स्टडी करके रखना। फ्रेंड्स अगर ये आपका वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।